हाँ तो जय मतलब मैंने किया था तो मतलब क्या जैसे नाम क्या आपका? संतोष जी तोमर? हाँ, संतोष तोमर मुरैना से एमपी। एमपी मुरैना से। तो क्या हुआ, आपने प्रेत सिद्ध किया फिर क्या हुआ? हाँ मैंने एक पिशाच की सिद्धि की थी घर में ही। हाँ हाँ तो उसने जो है तो मतलब वो दक्षिण मुखी है। हाँ तो एक दिन मैं मांस भी लाया था और थोड़ा दारू का पगुआ रखा था देसी। हाँ तो भोग तो उसने ले लिया था, लेकिन भोग जैसा बताते हैं वैसा नहीं कि सामने आके लिया था। कोई मतलब थोड़ी सी इमेज आई थी वैसे, जो तीसरी आंख पे आती बिल्कुल माथे पे, कि हाँ कोई आदमी मांस खा रहा है। ठीक है, उसके मांस खाने के बाद फिर 5-7 मिनट बाद कुछ पी रहा है, कुछ ऐसा आया था। और उसके बाद उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें सिद्ध हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बस उसने इतना ही बोला था। तो फिर मैंने दूसरे दिन उसे जो है काम दिया था, तो पैसों की मैंने बोला था उससे, तो बोल दिया कि हाँ ठीक है। लेकिन मैंने फिर उसके अगले दिन मैंने उससे बोला, मैंने पैसे तो आए नहीं तुम्हारे। बोले पैसे बहुत कम आएंगे और तुम मेरा इस्तेमाल गलत कर रहे हो, मैं कोई दूसरा काम कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं है, दुकान वहां सटा डाले हैं, सही नहीं है मतलब इस आप तरह। ईमानदारी चलती है। हाँ, मतलब वो ऐसे बोला। मैंने कि तुम तो पिशाच हो, मैंने कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो खुला फाड़ो, कि नहीं तुम दूसरे काम करवा लो, मैं तुम्हारा और कोई भी काम करवा दूंगा, चोरी के हटा के और लड़की और क्या नाम लड़की बाजी को हटा के मैं तुम्हारा और कोई भी काम कर दूंगा, कोई भी तुमको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। मतलब रात की गारंटी ली थी, जब तक रात में दिन में तो मेरा बस नहीं चलता है। अच्छा तो मैंने दिन में किसका बस चलता है? बोले दिन में ऐसे लोगों का बस चलता है जो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। तो मैंने कौन? तो उसने बताया था ऐसे बेताल होते हैं। तो मैंने एक तो बेताल मुझे सिद्ध है। बोले नहीं तुम उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कि वो मतलब मेरे से बड़ा है, मुझे मारेगा। अच्छा मतलब इस तरह की बताई थी, लेकिन वो पैसे। और एक दिन मैंने मिठाई मंगाई थी तो मिठाई ले आया, तो मैंने सोचा था वैसे ही उठा लाया जे, लेकिन वो 20 का नोट गायब था। मतलब 20 रुपये आपका ले गया मिठाई के बदले में। हाँ लेकिन उसने नहीं बताया कि मैं जो है 20 का नोट तुम्हारा ले गया हूँ। तो मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कि ये मैंने ये लोअर में अलग रखा था, किसी को पता भी नहीं है 20 का नोट गायब। बोले ये मैं ही ले गया था, मैं फ्री में नहीं लाता चाहिए। अरे हाँ, मुफ्त में तो थोड़ी आती है यहाँ कोई हाँ, तो मैंने कहा खाना फिर थोड़ी खोल रखा है। तुम तो मैंने पिशाच हो। बोले कि ये मेरी साधना बहुत होने की है, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं इतना भी नहीं करता मैं। अच्छा क्यों? मैंने कहा कैसे? क्योंकि तुम में थोड़ी सी मुझे दया दिखी थी, तुमने मेरी सिद्धि ऐसे की है, इसलिए मैं जो चाहिए उधर कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं करता मैं। और कई बार तो लोग आप मुझे डर के भाग जाते हैं। अच्छा तो ऐसे की थी, लेकिन अब जैसे लोग आप बोलते हैं कि नहीं ये 1 करोड़ रुपये डालेगा, 50 लाख ले आएगा, ये वो सब यूट्यूब पे बिल्कुल बिल्कुल वो, मिथ्या है। अरे भैया वो हमारे यूट्यूबर है ना, वो उठवा देते हैं 1 करोड़ रुपए एक रात में, और हाँ ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं गोडाउन का गोडाउन, ऐसा उसमें ये कुछ सारी नहीं बोरियां करते। अनाज की बढ़िया आपके घर में टिकवा देंगे। वो तो हाँ हमारे यूट्यूबरों का काम है। सत्य तो जो आप ये बोल रहे हैं वो है साहब, ये तो ऐसा हमने ये एक कुछ भी वीडियो नहीं है। दिया हाँ था, सुनिए सुनिए संतोष जी, हमने हाँ एक वीडियो दिया था बहुत पहले, पंडित जी की प्रेत साधना। हाँ आपको कभी मौका मिले तो उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में हमने क्या दिया था, हमने अपने चैनल पे एक भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि एक रात में करोड़पति बना देगा, इसलिए तो हमारा हाँ चैनल चलता नहीं है, क्योंकि इसमें लॉलीपॉप नहीं है ना, हाँ लॉलीपॉप नहीं है इसलिए चलता नहीं है। और दुनिया को चाहिए लॉलीपॉप, बस नहीं, जो लोगों एक। का जैसे जो चल रहा है, जो हाँ दिवालन साधना चल रहा है, जिसमें हड्डी वड्डी लेते हैं, वो जो लड़की जो लेडीज मर जाती है उसका पानी लेते हैं और पता नहीं ये सब करते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। हाँ झूठ के अलावा और यूट्यूब पर बचा क्या, इसीलिए तो सत्य हाँ चलता नहीं है, ये झूठ सब जो इतना नए फैल नए जो गया है। हाँ नए नए जो लोग हैं, जो चीजों को दूर से जानते हैं, उन्होंने अनुभव बिल्कुल नहीं किया, तो वो लोग फंस जाते हैं। 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 50 हजार देंगे, वैसा वैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसी दुनिया हाँ सही बात है। में जी। और एक आध बार अगर वो ले भी आएगा, तुमने अगर उसके दिमाग के मतलब उसकी बुद्धि के खिलाफ उसे भेज दिया, तो वो गलती से गुस्से में तुमने कसम दे दी या तुमने वो तो फिर उस नुकसान है भारी तुम्हारा। हाँ नुकसान अगर मतलब तुम वो गलती से उठा भी लाया, तो फिर जो है ना तुम कोई दूसरा काम ले नहीं सकते, और उसे जब भी मौका मिलेगा तो तुम्हारा गेम भी कर देगा वो। हाँ यार ऐसे ले जाते तो सिद्ध तो कोई भी कर लेता, फिर तो किसी का भी पूरा भारत खाली कर देते लोग हाँ इधर से उधर। हर पैसे वाले को गरीब बनाने में कितना टाइम लगता है। और मेरा एक दोस्त है, उसे एक सिफली जिन्हें भी सिद्ध है, उसे हाँ
लेकिन वो भी पैसे नहीं लाता, वो जैसे जैसे वो 5 लाख मांगेगा तो वो 5 हजार लेके आता है बस। नहीं, सिफिलिस जिनकी अलग विशेषता है, हर आदमी का अलग काम होता है। आप उसको दूसरा काम दोगे तो कैसे करेगा भाई? ये पड़ा ही है, जिसको लकड़ी का काम करना होता है आप उसको सोने चांदी का आभूषण बनाने का काम दोगे तो थोड़ी कर पाएगा वो। और वो हाँ मुझे ये बोला था कि पैसे में तुम्हें तुम्हारे ले आऊंगा जब भी मुझे लगता है कि तुम कहीं फंस गए, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो ले आएगा वो। तो उस दिन मैं तुम्हारे तुम जितना बोलोगे उस दिन 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, 10 लाख भी हाजिर कर दूंगा, लेकिन वापस देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन उसने ये बोला था कि अभी वैसी हालत है नहीं, तुम तो बढ़िया हो, अच्छे अच्छे खासे खेल खाल रहे हो, तुम्हें तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैंने उसको एक बार ऐसे बोल दिया था बड़ा भाई, तो बोले तुम अब तुमने मुझको बड़ा भाई बोला है तो मेरी बात मानो और ऐसे अपने बड़े भाई से बात नहीं, वो खाना में गलत वो नहीं करवाओ काम। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें पैसे की जरूरत है तो उस दिन, हाँ उस दिन निकाल देता, गले निकाल देता, तो उस दिन मैं जो है उस दिन मैं पैसे उठा लाऊंगा। तुम्हें भी जवाब देना पड़ता है। ये प्रेत वगैरह ये सब एक तरह की सिक्योरिटी रखते हैं जी, और कुछ नहीं है। प्रेत पिशाच वगैरह जो होते हैं उनको सिद्ध करते हैं, किसी खास काम के लिए होते हैं। तो उसने हमारे भी एक मनोहर दास था, उसने एक प्रेत को सिद्ध पिशाच को सिद्ध किया था। वो दृष्टि पिशाच था, मतलब किसी भी आदमी का भूत भविष्य वर्तमान देख करके तुरंत बता दिया करता था, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता था, बस यही काम था। तो इनके काम होते हैं अलग अलग। तो उसने ये बोला था कि हमसे ऊपर है एक महापिशाच है, ठीक है, तो जैसे अगर मैंने गलत काम किया है तो हमें उसको जो है जवाब देना पड़ता है। ये जो मैंने किया था जवाब देना पड़ता है। महाप्रेत बोलते हैं उसको, महाप्रेत की सिद्धि अपने उसमें बहुत ऊंची सिद्धि मानी जाती है। हाँ, तो मैंने की वो कितना ताकतवर है, वो इतना ताकतवर है किसी भी आदमी को उठा के यहाँ वहाँ कर सकता हूँ। मैंने बोले मैं 5-10 किलो वजन कर सकता हूँ इधर उधर, ठीक है। महाप्रेत जो होता है ना वो शिवजी का डुप्लीकेट होता है। शिवजी की साधना करने जो करता है ना उसके बीच में कभी कभी महाप्रेत आ जाता है, तो वो शिवजी अपने आप को प्रदर्शित करके फिर वो जो महाप्रेत होता है ना वो शिवजी का भोग लेने लगता है, आदमी को पता तक नहीं चलता है। हाँ, तो ये मैंने की थी। और एक मैंने सट्टा साधना भी की थी मैंने, काला कलबुए की। काला उस पर बाद में बात करते हैं, पहले तो आपने जो बात बताई ये बहुत बढ़िया बात बताई, ये हम ऊपर देंगे अपने दर्शकों को। और मैं जो आपको इसका मंत्र भी बता देता हूँ, ये काल पिशाच करके है, काल पिशाच, ठीक है। ओम हूम हूम काल, ओम हूम हूम काल पिशाच, ब्रीम ब्रीम फट स्वाहा, इसमें ये है। अच्छा, कैसे करना पड़ता है इसको? इसको कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठ जाओ, 10 बजे से इसकी शक्ति चालू हो जाती है। 10 बजे से रात को 10 बजे से एक दारू का पगवा लेना तुम्हें, ठीक है, और 3 दिन केवल वो रखनी है मांस वगैरह। हाँ, थोड़ा सा मांस रखना, ज्यादा नहीं, 10 रुपए में 20 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस 20 रुपए का मांस और दारू का पौवा, बस एक दारू का पौवा 80 रुपए का बस तुम्हें रखना है। और बस और ऐसा नहीं है जब डराता वराता नहीं है, लेकिन पहले 2-3 दिन गुस्से में जरूर आएगा ये, ठीक है, तुमसे उल्टी सीधी बातें करेगा। 3 दिन तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये पिशाच है, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा ये कोई आदमी है, बस तरीके से। हाँ, और उसके कुछ दिन बाद तुम्हें ऐसा लगेगा ये तुम्हारा कोई परिवार में कोई बड़ा आदमी है, मतलब जो तुम्हें समझा रहा है, बस समझा रहा है, तो बस समझ लो सिद्ध हो गया। लेकिन मैंने वचन तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाद में छोड़ूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर इनका जी क्योंकि फिर ऐसा रहता है जब भी तुम छोड़ने की इनसे पूछोगे तो जो गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, वचन क्या होते हैं, वचन बांधते हैं ना आपको, वचन बांधते हैं तो फिर वचन लेने के बाद में आपको मरने के बाद में उनके लोक में जाना पड़ता है, क्योंकि आपने उनको बांधा तो वो भी आपको बांधेंगे। हाँ, तो फिर मैंने वचन तो उसने नहीं लिए, उसने ये बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो आपने जो अभी मंत्र बताया इसकी कितनी माला और कौन सी माला से जपना पड़ता है? कोई भी माला नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको चुपचाप बैठ जाना है बस। हाँ, बस थोड़ा सा शोर शराबा कम हो बस, ठीक है कि नहीं, और बस ऐसा करना है, बस 40 मिनट से कम जाप नहीं हो, बस नियम जो है। अच्छा, 42 मिनट बोलते हैं इसका, 42 मिनट होना चाहिए ना? हाँ, 42 मिनट से इसका जाप जो है कम नहीं हो बस। हाँ, क्योंकि क्योंकि कम करोगे तो वो आएगा तो तुम महसूस नहीं कर पाओगे, और दिमाग तुम्हारा शांत हो, ऐसा नहीं हो कि तुम मोबाइल तुमने चालू करके रखा है या कोई और है, बस यही है। और ये ऐसे 5.5 फीट का आसपास है, इसके 2 दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं, काला है, काला जो दिखता है, पर वो दिखाई एक ही बार देगा बस, बार बार बुलाओगे तो दिखाई नहीं देगा, वो सीधे तुम्हारी 3री आंख पे आएगा, ठीक है, और जैसे ही आएगा, जैसे ही तुम्हारी 3री आंख पे आएगा तो थोड़ा सा तुम्हें वहां पे गुलगुली सी लगने लगेगी, थोड़ा सा खुजली सी लगेगी, समझ लेना वो आ गया है। हाँ, और तुरंत तुमसे आके जो है बात करने लगेगा। अच्छा,
ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।